क्या एलियन हमारी धरती पर बतौर मेहमान रहते हैं? क्या वो अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं? अगर हाँ, तो क्या कोई ऐसा देश भी है जो बकायदा एलियंस से रिश्ते रखता है, जो एलियंस की मौजूदगी को दुनिया से छिपाकर रखता है? इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जिनका दावा है कि अमेरिका में बकायदा एक ऐसा इलाका है जहां एलियन से जुड़ा हर राज छिपा है। उसी खुफिया जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 एक सैन्य हवाई अड्डे का नाम है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवादा के दक्षिण में गोम झील के पास मौजूद है। इस हवाई अड्डे का काम विमानों और हथियार प्रणालियों की जांच और विकास को समर्थन देना है। इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद ये अड्डा अमेरिकी सरकार के नक्शों पर सार्वजनिक रूप से दिखाया नहीं गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ UFO को उतरते और उड़ते देखा गया है। असामान्य घटनाओं की खबरों के साथ साथ अपनी गोपनीय आदतों और रिसर्च की वजह से एरिया 51 आधुनिक UFO का केंद्र बन गया है। इन सब बातों के आधार पर ये माना जाता है कि शायद एरिया 51 में सच में कोई UFO कभी उतरा था और वहां सरकार छुपकर एलियंस पर रिसर्च कर रही है। अमेरिका का सबसे रहस्यमय इलाका, जिसकी है सबसे तगड़ी पहरेदारी, यहाँ अंतरिक्ष से भी नहीं खींच सकते फोटो। एरिया 51 क्या सच में एलियन का परीक्षण केंद्र है या नहीं? और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्या है इस जगह पर जिसे अमेरिकी सरकार सारी दुनिया से छुपा रही है? इन अनसुलझे सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI की एक गोपनीय फाइल सार्वजनिक हुई, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि अमेरिकी पुलिस और सेना के अधिकारियों ने उटा राज्य में 1949 में UFO को गिरते देखा था। कहने को तो एरिया 51 अमेरिका के एक एयरफोर्स स्टेशन जैसा है, लेकिन दुनिया को पता है कि एलियंस पर रिसर्च करने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर आज भी मौजूद है धरती पर पकड़ा गया पहला एलियन, जिस पर पिछले 70 सालों से रिसर्च की जा रही है। कहा जाता है कि अमेरिका के रोसवेल में गिरा पहला स्पेस शिप यहीं पर रखा गया है, जिस पर आज भी रिसर्च की जा रही है ताकि एलियंस की तकनीक को हासिल किया जा सके। यहाँ अमेरिका उस तकनीक पर काम कर रहा है जिसे एलियंस इस्तेमाल करते हैं, मसलन गायब होने की तकनीक, आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने की तकनीक। ये वो तकनीक है जिसे अमेरिका हासिल करके दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन वो इसे खुलेआम हासिल नहीं कर सकता, लिहाजा एरिया 51 में रहस्यमय तरीके और दुनिया से छिपा कर रहा है। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब तक आप अमेरिका के व्हाइट हाउस और अमेरिकी सैन्य विभाग का ऑफिस यानी कि पेंटागन सबसे सुरक्षित जगह मानते होंगे, लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों जगहों से ज्यादा सुरक्षा एरिया 51 की होती है। इसका सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा है कि यहाँ बिना इजाजत घुसना बिल्कुल असंभव है। इसकी सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1974 में अंतरिक्ष से एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने एरिया 51 की तस्वीर खींच ली थी, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बवाल मचा दिया था। इस घटना के बाद किसी ने भी एरिया 51 की तस्वीर नहीं ली है और ना ही कोई ऐसा करने की कोशिश करता है। घुसपैठ करने पर भेजा जाता है सीधा जेल। पेंटागन से भी ज्यादा खुफिया है इलाका, दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह एरिया 51 का US स्टेटस एयरफोर्स के अंदर आने वाले काफी कम लोगों को पता है। ये एरिया दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ अमेरिकी सरकार के कई सीक्रेट्स दफन हैं। दुनिया में कई जगहों पर एलियंस के देखे जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन एरिया 51 में इन दावों में छिपी हकीकत देखने को मिलती है। इस जगह के आसपास कई बार ऐसी चीजें मिली हैं जो इस दावे को पुख्ता करती हैं कि एलियंस होते हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट वॉयड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने बताया था कि वो दूसरी दुनिया के प्राणी यानी कि एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र एक घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफर करते हैं। एरिया 51 एक सैन्य इलाका है जो अमेरिकी शहर लास वेगास से 80 मील उत्तर पश्चिम में मौजूद है। ये इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहां दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO को उड़ते देखा है। सन 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक UFO दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और लगभग इंसानों जैसा ही दिखता था।
कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी भी हिस्से में अब भी उस पर शोध चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इस जगह पर जाना नहीं चाहते हैं। एडवर्ड लोविक नाम का एक शख्स जो इस जगह पर 30 से ज्यादा सालों तक रह चुके हैं, उन्होंने लोगों के मन में बैठे डर को कम करने के लिए इस जगह का नाम पैराडाइज रैंच रखा था। लेकिन अब भी लोग इस खुफिया जगह पर जाने से डरते हैं। कई एलियंस की डेड बॉडीज वाली फोटोज भी इस एरिया से सामने आ चुकी है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बढ़ती गई है कि अमेरिकी सरकार के किसी भी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसको दिखाया गया था तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया था, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को पता चले। अगर यहां आपकी जान एलियंस और न्यूक्लियर हथियारों से बच जाए तो भी आप खतरे में हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से यहां रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। कुछ लोगों का दावा है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहां काम करते हैं। वो लगातार एलियंस से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही उनके विमानों पर शोध भी कर रहे हैं और एलियंस का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी तकनीक को हासिल किया जा सके। लेकिन यह सब इतने रहस्यमय तरीके से होता है कि किसी को भी पता नहीं चलता कि एरिया 51 में आखिर होता क्या है, क्योंकि अमेरिका सरकार ने कभी भी इस तरह की किसी भी जगह की पुष्टि नहीं की। CIA ने सबसे पहले इस बात की घोषणा की थी कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का कोई सीक्रेट प्लेस है। इससे पहले लोगों के बीच बस इस बात की चर्चा थी कि ऐसी कोई जगह मौजूद है। हालांकि CIA ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया कि ये सीक्रेट प्लेस आखिर क्यों बनाया गया है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो आम नागरिकों के जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है जिससे कोई जानवर या इंसान गलती से या धोखे से अंदर ना जा घुसे। बाड़ों के चारों तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घूमते रहते हैं। एरिया 51 में रखा है एलियंस स्पेसशिप। गूगल मैप पर भी नहीं दिखती एरिया 51। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर नहीं गए, बल्कि एरिया 51 में अमेरिका ने फेक सेटअप लगाकर उनसे मून पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। हालांकि ये बात किसी के गले नहीं उतरती है, क्योंकि चांद पर इंसान के पहुंचने के बहुत से प्रमाण सामने आ चुके हैं। वैसे कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस जगह पर अमेरिका ने सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट लगा रखा है और यहीं से कई न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं। कहते हैं कि इस जगह पर अमेरिकी ड्रोन्स की टेस्टिंग की जाती है। U-2 स्पाई प्लेन्स का टेस्ट इसी जगह पर किया गया था। माना जाता है कि अमेरिकी सरकार की इंजीनियर्स इस जगह पर कई मिलिट्री हार्डवेयर बनाते हैं। खबरों के मुताबिक 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तस्तरियों को अमेरिकी आसमान में उड़ते देखा गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के निर्देशों के बाद शुरू किया गया था। ये इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी बेहद ही खास लोगों और इससे जुड़े अधिकारियों को ही थी। इस जगह पर ग्रोम नाम की एक झील है जिसके बारे में गूगल मैप तक पर भी जानकारी नहीं है। इस झील से सटा हुआ एक रनवे बना हुआ है। यही नहीं, यहाँ कुल 7 रनवे हैं जिनसे खुफिया विमानों को उड़ान भरते देखा गया है। इस एरिया के आसपास जिन भी लोगों के घर थे उन्हें अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने जबरदस्ती खाली करवाए थे। वजह किसी को बताई नहीं गई थी, लेकिन जिन्होंने भी जगह खाली करने से मना किया उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। 2012 में BBC ने इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची। इस वजह से कैमरा क्रू यहां चला तो गया, लेकिन काफी देर तक वीरानी में ड्राइव करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि जैसे ही सिक्योरिटी की नजर उन पर पड़ी उन्हें जासूस समझकर बंधक बना लिया गया था। माना जाता है कि इस जगह पर परमाणु बमों के धमाके भी किए गए हैं जो परीक्षण के लिए थे। इस चक्कर में आम लोगों को यहां से विस्थापित कर दिया गया था। यहां कुछ लोग अब भी रहते हैं, पर वो इस एरिया 51 के कर्मचारी हैं या उनके परिजन। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जब एरिया 51 को परीक्षण क्षेत्र के तौर पर चुना गया तो एक 8,500 फीट लंबे रनवे के निर्माण की जरूरत हुई। इस निर्माण की ओर किसी का ध्यान ना जाए इसलिए इसके निर्माण का काम केवल रात में किया जाता था। कुछ खबरों के मुताबिक यहाँ एलियन इंजीनियरिंग पर शोध किया जाता है। कुछ तथ्यों के मुताबिक तो एरिया 51 में कई एलियंस को कैद करके रखा गया जिन पर शोध किया जाता है। अमेरिका में हुए एक शोध के मुताबिक करीब 57% लोग एलियन और उड़न तस्तरियों के वजूद को सच मानते हैं। हालांकि इनको देखे जाने के 100% दावों में से 90% या तो खारिज कर दिए जाते हैं या फिर दबा दिए जाते हैं। लेकिन 10% ऐसे भी दावे हैं जिनके सबूत भी मौजूद हैं।
इस इलाके के ऊपर से किसी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता भी है तो यह ट्रैफिक कंट्रोल उसे तुरंत चेतावनी भेजकर फौरन अपना रास्ता बदलने को कहता है। अगर ऐसा नहीं होता है फिर तो अमेरिकी वायुसेना उस पर कार्रवाई करती है। दरअसल बात सिर्फ यह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि एरिया 51 के रहस्य से कभी भी पर्दा उठे। स्टाफ को क्यों दिलाई जाती है गोपनीयता की शपथ? अमेरिका रिकॉर्ड्स के मुताबिक एरिया 51 1995 में सैन्य विमानों के टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इतिहास के किस्से और दावों के अनुसार ये जगह सिर्फ एक मिलिट्री बेस ना होकर इससे कुछ ज्यादा होने का एहसास करवाती है। ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर कहने के लिए तो हथियारों पर रिसर्च होती है, लेकिन असल तस्वीर कुछ और है। यहां का स्टाफ भी किसी को कुछ नहीं बताता है। दरअसल एरिया 51 के स्टाफ को शपथ दिलवाई जाती है कि वो यहां जो भी काम करेंगे उसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे, यहां तक कि अपने घर वालों से भी अपनी पहचान छिपाई जाए और एरिया 51 के अंदर काम करते हुए किसी दूसरे से उसके काम के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। कहा जाता है कि एरिया 51 में अलग अलग टीम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, लेकिन उनको आपस में पता नहीं होता कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहां काम करने वाले स्टाफ को एक खास हवाई जहाज से लाया जाता है और ले जाया जाता है। उस हवाई जहाज पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं होता, सिर्फ लाल रंग की पट्टी बनी होती है और एक आम विमान की तरह खिड़कियां होती हैं। और जो भी लोग यहाँ काम करने आए होते हैं उन्हें कोई खास कपड़े नहीं पहनने होते हैं, बल्कि सब साधारण से दिखने वाले कपड़ों में ही होते हैं। एरिया 51 में काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया था कि उन्होंने वहां पर एडवांस फ्लाइट सिस्टम पर काम किया हुआ है और वो वहां पर उड़न तस्तरी यानी UFO जैसे प्लेन का निर्माण कर रहे थे और साथ ही गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे विमानों को बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि रफ्तार में आज के विमानों से कहीं गुना तेज हो। और उनका कहना था कि उन्होंने वहां पर एलियंस विमानों को भी देखा है जो कि हमारी पृथ्वी पर क्रैश हुए हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक ने बॉब लेजर के इन बयानों को झूठा बताया था। इस बयान पर उन्होंने कहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं और बॉब लेजर ने कभी भी एरिया 51 में काम नहीं किया। इस तरह के कई दावे लोग कर चुके हैं कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं, लेकिन सच ये है कि एरिया 51 आज भी रहस्य बना हुआ है कि वहां होता क्या है। हालांकि साल 2013 में CIA ने एरिया 51 की बात कबूल की थी, लेकिन एलियंस पर होने वाली किसी भी रिसर्च से उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था। एरिया 51 एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा ही है। यहाँ एलियंस पर रिसर्च होती है या फिर यहाँ एलियंस आते हैं, ये भी एक बड़ा रहस्य है। जो लोग यहाँ एलियंस देखने का दावा करते हैं वो इस बात को सही मानते हैं और जो नहीं देखते वो इसे झुठला देते हैं। US गवर्नमेंट ने एरिया 51 की जगह पर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा रखी है। ये जगह अमेरिकियों के अलावा पूरी दुनिया में रहस्य का मुद्दा बनी हुई है। इसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। साल 2015 में नासा प्रमुख ने एलियन के अस्तित्व की बात को माना था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि एरिया 51 में किसी एलियन को छुपा कर नहीं रखा गया है।